पेट्रोल पंप वाले भी टोक देते हैं कि पेट्रोल की जगह पे आप डीजल ले रहे हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि ये डीजल बुलेट है और डीजल टंकी फुल कर दीजिए और 2-3 महीने के लिए भूल जाइए कि हमको इसमें तेल भराना है। नमस्कार, मैं हूं निखिल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज हम आपको ऐसा बुलेट दिखाने वाले हैं जिसका माइलेज है 80। जी हाँ, 80 माइलेज देता है और डीजल से चलता है। जी हाँ, डीजल भरवाना पड़ता है इसमें और मॉडल 1998 का है। ओनर इसके हैं मोहन जी, जिनका एज 65 है, 65 साल के हैं, लेकिन गाड़ी वाड़ी बनाना और गाड़ी का शौक जो है वो 10 साल ही से शुरू कर दिए थे, तो 55 साल से इस फील्ड में हैं। तो इन्हीं की गाड़ी है, खासियत भी यही बताएंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आएगा कि भाई चाबी कहाँ लगता है, कितना डीजल भरवाते हैं, डीजल कितना भरवाते हैं और कैसे मैनेज रखें अभी तक, कैसे इसको इतना सही रखें। तो चलिए सीधे मोहन जी से मिलते हैं जो कि मोहन बुलेट के ओनर हैं। कैसा लगता है इतना विंटेज गाड़ी? बहुत अच्छी है गाड़ी। क्या क्या खासियत है, शुरू करते हैं एकदम, बताइए। इसमें डीजल भरवाइए, उसके बाद ऑन कीजिए, इसको चलते रहिए। राइट साइड इसका कीक है, सब चीज़ दिखाइए लोगों को, सब चीज़ दिखाइए कि कहाँ क्या है, कहाँ। राइट साइड कीक है इसका, गियर है राइट साइड। ये किक हो गया जी? हाँ, ये किक हो गया सर। हाँ, ये गियर हो गया। अच्छा, गियर राइट साइड जी? हाँ। और ये न्यूट्रल लीवर हो गया, किसी भी गियर में रहेगा उसको क्लच लेके नीचे कर दीजिएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, किसी भी गियर हो जाएगा वो। हाँ, चलिए। और ये सब क्या है? ये पूरे इंजन है इसके, डीजल इंजन। डीजल इंजन जी हाँ। कितने रुपए में खरीदे थे याद है? 35,000 रुपया में इसको खरीद के इसको हमने रिपेयर करवाए। अच्छा, 35,000 में खरीदे थे जी? हाँ। कब खरीदे थे ये? 2 साल पहले। 2 साल पहले खरीदे जी? हाँ। अपने पास 35,000 में? जी हाँ। उसके बाद हम इसको, बहुत ओल्ड थी इसको, हमने इसको क्लासिक मॉडल इसको हमने तैयार किया। अच्छा, क्लासिक जो 350 वाला? जी हाँ, 350 वाला क्लासिक। सीट भी चेंज की? जी हाँ। चलिए, हम हर चीज जानेंगे सर। सर थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। हम इनके बेटे महताब जी, हम इनके बेटे महताब से मिलेंगे। हर चीज सर थोड़ा सा नर्वस हो जा रहे हैं इस बाइक के बारे में, क्योंकि विंटेज गाड़ी है, 80 का माइलेज, प्लेटिना फेल है। हर चीज बताएं आगे से लेके पीछे तक। ये आप बाइक देख ही रहे हैं, पापा ने ये शौक से लिया था, एक रखा हुआ था। पापा के दोस्त बोले कि एक बाइक रखा हुआ है, वो लेना है, तो हम लोग गए देखें इसको। ये डीजल था और वो बंद था, इसका एक पार्ट खराब था जो नहीं मिल रहा था, वो चालू भी नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने इसको, इसका पार्ट स्पेशली ऑर्डर करके मंगवाया, इसको चालू किया, पूरा रिकंडीशन किया और बाकी आप गाड़ी देख ही रहे हैं। 1 लीटर हम लोग तेल डाल देते हैं, 80 किलोमीटर आराम से घूमते रहते हैं। हाँ, इसका स्विच कहाँ है, कैसे चाबी लगता है, इसको क्या बोलते हैं, सब चीज़ बताएं। ये इसका फिल्टर है, यस, एयर फिल्टर हो गया, ये फ्यूल पंप हो गया, यहाँ दिया। हाँ, एयर फिल्टर यहाँ दिया, ये फ्यूल पंप हो गया, बैटरी, ये रहा इधर बैटरी हो गया आपका, नॉर्मली बैटरी हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट साइड ब्रेक। यस, ये लेफ्ट साइड ब्रेक है जो उल्टा साइड जो आता था पुराने वाले बाइक में, वही है। हाँ, 2004 से पहले जितना भी बाइक में आता, रॉयल इनफील्ड में आता था, वो लेफ्ट साइड ब्रेक आता था, अब न्यू में हो गया राइट साइड ब्रेक। हाँ, इसीलिए उसका सेल बढ़ गया। और यहाँ देख लीजिए, ये है लाइट स्विच, इससे मेरा लाइट जल जाएगा, सब जलता है। चाबी स्विच देख लीजिए, चाबी कहाँ लगता है? जैसे ये मेरा इग्निशन स्विच, अब आप खोजते रह जाइएगा ऊपर मेन्यू में कि चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, इसका चाबी यहाँ है, यहाँ चाबी हम लोग दे दिए। ये देखिए, इसे लाइट पार्किंग, लाइट भी जल गया। ये हो गया मेरा हेडलाइट हो गया। हेलो, कितना खर्चा करना पड़ा इसमें? मोटा मोटी गाड़ी लेने के बाद इसमें हम लोगों ने 50,000 रुपये लगाया। 50,000 रुपये लगाया। शौक है? बस शौक, विंटेज शौक। एक और चीज़ बताऊंगा, शौक इसको भी कहते हैं। ये देखिए, मोहन जी के बेटे हैं और रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ है, टैटू बनवा लिए हैं और उस हाथ में भी रॉयल इनफील्ड मुझे लग रहा है कि है। जी हाँ, यहाँ पे भी रॉयल, मतलब एक क्रेजीनेस होता है, पागलपन होता है। हम फिर से बाइक पे आएंगे और ये कुछ मिलाना होता है इसमें भी, कंप्रेसर? नहीं, कंप्रेसर मिलाने वाला सिस्टम डीजल में नहीं रहता है, वो नॉर्मली पेट्रोल वाले बाइक बुलेट में होता है। पेट्रोल पंप तो लोग चौंकते नहीं कि भाई डीजल क्यों भरवा रहा है, वो देख के सब देखते ही रहते हैं कि क्या ये रॉयल इनफील्ड लेके आए हैं तो इसमें पेट्रोल की जगह पर डीजल ले रहे हैं, तो पेट्रोल पंप वाले भी टोक देते हैं कि पेट्रोल की जगह पर आप डीजल ले रहे हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि ये डीजल बुलेट है। डीजल बुलेट है। और क्या खास है इसमें? चलिए, लाइट यहाँ से जलता है, इसका आवाज़ भी खास ही है।
आप आवाज भी सुन सकते। पुराना वाला या चेंज की? नहीं नहीं, इसका सब पुराना वाला है, ओरिजिनल ओरिजिनल सब इंजन, अभी ओरिजिनल ही इंजन पूरा नहीं है। साइलेंसर लेकिन थोड़ा सा चेंज, हाँ थोड़ा साइलेंसर चेंज कर दिए, न्यू मॉडल जो अभी साउंड में आ रहा है ना वो स्टार्ट करके हमें बता दें। दिखाइए तो दिक्कत होता है स्टार्ट करने में? नहीं नहीं कोई दिक्कत, नॉर्मली है, देख लीजिए एक बार में होगा, उधर देख लीजिए स्टार्टिंग कैसे होता है। स्टार्ट हो रहा है और देखते हैं कि एक बार में होता है कि नहीं। एक दो, ये देखिए दूसरी बारी में हो गया। 98 की गाड़ी है ये, जी हाँ। और लग कैसी रही है, लग कैसी रही है वो देखिए, और हम आवाज़ भी सुनाएंगे आपको। विंटेज गाड़ी, ओल्ड इज गोल्ड बोला जाता है, आज हम लोग देख भी लिए। सबसे बड़ी बात है कि डीजल पे चलती है ये बाइक और खूबसूरत भी लग रही है, क्योंकि कोई आके अगर देखेगा तो मुझे नहीं लग रहा कि कह देगा कि 98 की गाड़ी है, क्योंकि चमक गया है इतना। और यहाँ ये क्या की है? ये हमने ऑफ किया अभी, इसका एक वायर जो है गाड़ी बंद करने वाला। हाँ। ये देखिए यहाँ लगेगा। अच्छा, ये बंद करने वाला इसका वायर हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है, वो हम लोग को आया नहीं है। तो कैसे बंद करें वो भी हमें दिखाएं, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। इसको ऐसे चापेंगे ना, वायर लगेगा एक इसमें, इसको ऐसे चापेंगे तो बंद हो जाएगा। जिसका कनेक्शन आपको जिसका कनेक्शन नीचे है, नीचे यहाँ पे। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि एयर फिल्टर बाहर में है। हाँ, एयर फिल्टर बाहर में, डीजल है तो फिल्टर बाहर ही रहेगा ना, बाहर ही रहेगा। और ये आपने कह दिया कि यहाँ से डीजल आएगा, डीजल आएगा यहाँ से फिल्टर होकर के डीजल। तो इंजन कितना डीजल लगता है इसमें? इसमें मोटा मोटी 14 लीटर आ जाता है डीजल। 14 लीटर कुछ भी छूट रहा है जो लोगों को बताना चाहते हैं। आप ही की गाड़ी है, रॉयल इनफील्ड लवर से और क्या बोलेंगे, रॉयल इनफील्ड है, उसके आगे कोई बाइक नहीं है। टैटू बनवा लिए इतना? टैटू जिंदगी यही है, रॉयल इनफील्ड इसी पे जान देते, बस इसी पे जान देते हैं, इसी पे सब चीज़ काम है, सारा काम ही मेरा रॉयल इनफील्ड पर है, तो इसीलिए हम लोगों ने। चलिए तो सबसे बड़ी, अब टेंशन नहीं होता होगा ना, लेते होंगे डीजल तो, पर डीजल टंकी फुल कर दीजिए और 2-3 महीने के लिए भूल जाइए कि हमको इसमें तेल भराना है। 2-3 महीने? हाँ, तो 80 किलोमीटर का माइलेज है और 10 किलोमीटर मोटा मोटी 14 लीटर तेल में सोच लीजिए क्या भाई, 1000 किलोमीटर 14 लीटर डीजल में बहुत दिन चलता है, 2-3 महीना आराम से चलता है। बाप रे, मतलब कि अभी वाले जो बुलेट वाले हैं वो थोड़ा सा पछता रहे होंगे। मैं भी पछता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो है वो नया वाला बुलेट है, लेकिन इसको देख के मुझे लग रहा है कि काश मेरे पास भी ये होता। 80 का माइलेज देगा और क्या चाहिए लोगों को, क्योंकि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, और क्या लोगों को चाहिए। एक और बार आप देख लीजिए कि किस तरह से इसका इंजन है, किस तरह से एयर फिल्टर बाहर है, डीजल से चलता है, साफ कह दिए कि पेट्रोल नहीं, मतलब कि पेट्रोल बार बार निकल रहा है, डीजल भराओ। और मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने, 3 महीने काफ़ी है, 3 महीने भूल जाओ डीजल भराने के लिए। कैसा दिखता है आपने हर चीज़ जान लिया, 98 का मॉडल है, विंटेज है, ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। बाइक का कुछ नाम रखे हैं या नहीं? नहीं, डीजल बुलेट इसका नाम है सर। अच्छा, डीजल बुलेट नाम है, स्पेशली नाम है। चलिए, नाम ही इसका है डीजल बुलेट। कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसे स्टार्ट होता है, हर चीज़ आपने देख लिया। मैं बोलूँगा कि ऐसी गाड़ियाँ अगर आपको भी दिखें तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि गाड़ियों का शौक़ क्या कुछ करवा देता है वो भी आपने देखा। टैटू बनवा लिए हैं भाई ने, रॉयल इनफील्ड का बाइक हाथों में टैटू करवा लिया है, इधर भी लिखवा लिया है, तो प्यार बुलेट का अलग ही होता है। और हमने जब आपको दिखाया कि डीजल बुलेट नाम है इसका, विंटेज गाड़ी है, ओल्ड इज गोल्ड है, माइलेज 80 का देता है, तो बस अगर आप भी ये देखना चाहें तो मोहन बुलेट आइए भट्टाचार्य में और देख लीजिए, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं कहीं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरा मैन प्रकाश के साथ मैं अनुकुल तिवारी।